पटाक। देखिए खबरें फटाफट, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हम हार जाएंगे ये मत सोच लेना, हम जीत कर दिखाएंगे तुम देख लेना। ये कहना है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी का। राजस्थान यूनिवर्सिटी का रन बेहद दिलचस्प हो चला है और इस रन के रंग में लहू का रंग भी देखने को मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए गए और इस प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी ने भी पर्चा भरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्चा भरने के बाद निर्मल चौधरी अपने समर्थकों के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर आ रहे थे, तभी भारी संख्या में समर्थक होने के कारण पुलिस भीड़ को नहीं रोक पाई, जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और राजस्थान यूनिवर्सिटी छावनी में तब्दील हो गई। पुलिस का कहना है कि लोगों के पास यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड नहीं था, रोकने की कोशिश की तो निर्मल चौधरी के समर्थक पत्थर फेंकने लगे, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद निर्मल चौधरी ने सीधा आरोप एनएसयूआई पर लगाया। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मैं जैसे ही उन लोगों के बीच में आया, उन लोगों ने नारे लगाए, इतने में पुलिस ने लाठीचार्ज चालू कर दिया। मैं पुलिस प्रशासन से भी ये पूछना चाहूंगी कि मैंने ऐसा क्या अन्याय कर दिया, क्या मैंने किसी के चल के किसी को गलत बोला, किसी से लड़ाई लड़ी, किसी से गलत तरीके से पेश आया? जी नहीं, उनके पास इसका जवाब देने के लिए कोई बात नहीं है। मैं हमेशा से छात्र हितों के लिए संघर्ष करता आया हूँ, मैं किसी पार्टी या संगठन को पसंद नहीं करता और आज तक मैंने निर्दलीय तैयारी की, मैंने खुद का रास्ता खुद ने बनाया, मेरी समस्त छात्र शक्ति मेरे साथ खड़ी थी, मेरे पूरे संघर्ष के अंदर पूरे दम और ताकत के साथ हमेशा लड़ने के लिए तैयार रही। मैं हमेशा छात्र शक्ति के लिए संघर्ष करता रहा, उनके हितों के लिए लड़ता रहा। जो भी स्टूडेंट आता उसके समस्या आती उसके सामने, मैं उन चीजों में उन लोगों के साथ भागीदारी ले रहा था। जब कोविड जैसा समय चल रहा था उस समय सब छात्र नेता पार्टियां घर पे चैन की नींद से सो रहे थे, मैं और मेरी टीम ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर अपनी जान की बाजी लगाते हुए छात्र शक्ति के बीच में रहा, हमेशा उन लोगों के लिए काम करता रहा। तो उन चीजों का मेरे को दंड आगे आके ये मिला, आशीर्वाद ये मिला कि पुलिस प्रशासन मुझे दबाने की कुचलने की बात करती है। कुछ प्रदेश के संगठन के लोग ये कह रहे थे कि निर्मल चौधरी देखते हैं कैसे चुनाव लड़ता है, हम इतने कमजोर हैं कि हमारी सरकार है नॉमिनेशन रद्द करा देंगे, चुनाव नहीं लड़ने देंगे, पहले का निर्मल चौधरी के दस्तावेज फर्जी है। इन सब चीजों को लेकर पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे साथ जो मेरी बहनें थी उनके साथ मारपीट की, उनके लाठियां मारी। ये एक हिंदुस्तान के अंदर किसने कानून दिया है कि एक लड़की को 5 पुलिस वाले पुरुष उसको घेर के पीटते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, छीना झपटी करते हैं, ये कहां तक न्याय की बात है? जब इस प्रकार की इन चीजों से इन लोगों ने मेरे को दबाया तो आखिरकार आधी रात को इन लोगों को मेरे लिए जेल के दरवाजे खोलने पड़े, कोर्ट के दरवाजे खोल के न्याय की जीत हुई। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। तो आपका इशारा कहाँ है, मतलब एनएसयूआई की तरफ आपका इशारा, एनएसयूआई ने मिलकर पुलिस बल का उपयोग किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, एनएसयूआई ने मिलकर पुलिस का बल मेरे ऊपर प्रयोग किया जो कि गलत था। पुलिस प्रशासन बोल रही है कि बाहरी लोग थे, आईडी कार्ड नहीं थे, लाठी पत्थरबाजी हुई, इसीलिए हम लोग को मजबूरन लाठी। जी अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब एडिशनल एसपी आए थे उन्होंने कहा बाहरी लोग हैं, मैंने सब लड़कों को कहा, मैंने कहा आईडी कार्ड ऊपर दिखाओ रहे हाथ करके, एक एक स्टूडेंट ने उनके सामने आईडी कार्ड ऊपर करके दिखाया। ये चाहो तो आप मेरे को एडिशनल एसपी साहब को आमने सामने करके पूछ सकते हो। क्या कारण हो सकता है आप पर लाठीचार्ज करने का, कोई राजनीतिक सरकार का दबाव? सीधा सीधा सरकार का दबाव है, कैसे जैसे इसको दबाया जाए। मेरा हमेशा एक ही सपना रहेगा कि ये जितना मेरे ऊपर जुल्म करेंगे, मेरे को दबाने कुचलने की कोशिश करेंगे, मैं दोगुनी ताकत के साथ मजबूती से वापस छात्र शक्ति के बीच में खड़ा होऊंगा और संघर्ष करूंगा। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के इशारे पर लाठीचार्ज हुआ है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार एनएसयूआई के उम्मीदवार को जितवाना चाहती है। हमारे सारे लोगों के पास आईडी कार्ड था, एनएसयूआई और राजस्थान सरकार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई ताकि हमारे समर्थक डर जाए और डरकर चुनाव नहीं लड़ पाए। दो प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने दो दो नामांकन भरे, जिनमें एवीवीपी के प्रत्याशी नरेंद्र यादव, एनएसयूआई की रितु बराला, निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी, निहारिका जोरवाल,
राजेंद्र गौरा, संजय चौधरी, भानु प्रताप मीणा और हितेश्वर कुमार शामिल हैं। निर्मल और निहारिका ने दो दो नामांकन पत्र भरे। महासचिव पद के लिए 12 नामांकन दाखिल किए गए। उपाध्यक्ष पद के लिए 7 नामांकन और संयुक्त सचिव पद के लिए 2 नामांकन आए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र और पुलिसकर्मी दोनों आमने सामने देखने को मिले। इस झड़प में पुलिसकर्मियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र चोटिल हुए हैं। वहीं झड़प में पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। निर्मल चौधरी के समर्थक GNL मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे, मनाही के बावजूद अंदर घुसने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राजस्थान में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव है और 27 अगस्त को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस बार कुल 20,770 मतदाता अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के लिए वोट करेंगे। 2019 के राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव में AVP NSUI को बड़ा झटका लगा था और चौथी बार निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना कब्जा जमाया था और पूजा वर्मा अध्यक्ष बनी थी। पिछले कई सालों का ट्रेंड देखें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने ही बाजी मारी है। 2019 में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की बागी और निर्दलीय प्रत्याशी पूजा वर्मा निर्वाचित हुई थी। तब लगातार चौथा मौका था जब बागी उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर जीता था। अब 2022 की झलक 27 अगस्त को देखने को मिलेगी।